ये देखिए इस तरह से हमारे कुलचों को हमने अंदर की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सेक लिया है। इस तरह से आपके सिकने के मार्क्स आ गए हैं। अब हम कराएंगे इनकी स्टफिंग, रेडी कर ली है जो हमने, इसको बनाना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है ग्रीन चटनी और एक साइड पे ग्रीन चटनी इसकी अप्लाई कर देनी है। उसके बाद आपने स्टफिंग लेनी है और इस स्टफिंग को बहुत अच्छे से फैलाने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है मेयोनीज और थोड़ा सा टमाटो केचप। और जो दूसरा आपका कुलचा है उससे आप इसको सैंडविच की तरह बंद कर देंगे। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको भी तवे पे दोनों साइड से बटर लगा के सेक सकते हैं, या आप इसको ग्रिलर में ग्रिल भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको तवे पे ही सेक के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रहेगा। आप चाहें तो ग्रिलर पे भी अपना कुलचा इसी तरह से ग्रिल कर लें। हल्का हल्का बटर आप फिर से लगा के, आप बेशक इसी पे लगा दें बटर, और ये भी दोनों साइड से आप सेक लेंगे। बंद कर लें।